हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं एसी मशीन की। तो एसी मशीन की लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ एसी मशीन कौन कौन से होते हैं। सिंपली मशीन की जब भी हम इलेक्ट्रिकल सेक्शन में बात करते हैं तो मशीन आर टू टाइप्स, एक मोटर और एक जनरेटर। ठीक है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि मोटर और जनरेटर के डिफरेंस में और प्रिंसिपल्स में डिफरेंस होता है, लेकिन वो बहुत इजी डिफरेंस होता है जो आसानी से समझ में आ जाता है। अगर नहीं समझ में आता है तो उसको समझ लेते हैं। जो हमारा ये मोटर होता है और जो जनरेटर होता है उसमें डिफरेंस इनपुट और आउटपुट का होता है। कई बार मैं बात कर चुका हूं इस बारे में। जैसे अगर हम मोटर की बात करें तो उसमें इनपुट इलेक्ट्रिकल होगा और आउटपुट मैकेनिकल होगा। और अगर जनरेटर की बात करें तो जनरेटर मैकेनिकल इनपुट को लेकर इलेक्ट्रिकल आउटपुट को देता है। इसी इनपुट और आउटपुट को हम क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारे पास स्टैटिक और डायनेमिक्स दो टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिसमें हम एसी और डीसी का मेनली यूज करते हैं। तो हम अगर एसी मशीन की बात करेंगे, अगर एसी मोटर होगा तो वो एसी इलेक्ट्रिकल इनपुट लेके मैकेनिकल आउटपुट देगा, और अगर एसी जनरेटर होगा जिसे हम अल्टरनेटर भी कहते हैं तो वो क्या करेगा, वो मैकेनिकल आउटपुट से एसी इलेक्ट्रिकल आउटपुट को देगा। और सिंपली जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो फैराडे के होते हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, फैराडे ने हमारे काफी मैग्नेटिकली थ्योरी पे काम किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर को घुमाते हैं जो कि करंट कैरिंग है, तो वो ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। यहाँ पे जो इंड्यूस्ड हो रहा है वो फोर्स का ही काम है। ठीक है, फोर्स इंड्यूस्ड हो रहा है किसके रूप में, ईएमएफ के रूप में। अगर हम इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दें कि मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को घुमा रहा हूं और मैग्नेटिक फील्ड जो है स्टैटिक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को घुमा रहा हूं और करंट जो आउटपुट है वो डिफरेंस मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है मोटर और जनरेटर के प्रिंसिपल में, लेकिन काम करेगा वही फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। आज हम बात करेंगे एसी मोटर के बारे में। एसी मोटर के टू टाइप्स होते हैं, सिंक्रोनस मोटर और एसिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंक्रोनस मोटर वो मोटर होती है जो पावर फैक्टर के इंप्रूवमेंट के लिए प्रयोग में ली जाती है। सिंक्रोनस मोटर को हम तुल्यकालिक मोटर कहते हैं। इस मोटर की स्थिर गति होती है, इसके फ्रीक्वेंसी में बदलाव करके हम पावर फैक्टर को घटा बढ़ा सकते हैं। और दूसरा जो टाइप होता है जिसे एसिंक्रोनस या इंडक्शन टाइप बोलते हैं, तो इस मोटर के फिर दो टाइप होते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। हमारी आईटीआई के बुक में जो चैप्टर है वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर से स्टार्ट है, तो हम आज पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बात करेंगे, देख लेते हैं इसको एक बार। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हो। यहाँ हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन से, थ्री फेज मोटर की जो कंस्ट्रक्शन है वो किस प्रकार होती है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक मोटर बना रखा है जिसमें मैंने स्टेटर शो कर रखा है और रोटर शो कर रखा है। यहाँ पे अब जब हम डीसी मोटर पढ़ रहे थे, या आपने डीसी मोटर पढ़ा होगा, तो उसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं था। क्यों? क्योंकि जो डीसी की जो आवृत्ति होती है वो शून्य होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं होता। सिंपल सा आर्मेचर होता है और कंस्ट्रक्शन होता है, आर्मेचर में भी वाइंडिंग होती है, स्टेटर में भी वाइंडिंग होती है। लेकिन यहाँ पे जब हम इसको एसी सप्लाई दे रहे हैं तो हमें पता है कि एसी सप्लाई में बात आ जाती है आवृत्ति की, फ्रीक्वेंसी की। तो उस फ्रीक्वेंसी के साथ होने वाले बदलाव को मोटर या जनरेटर में समझना पड़ता है। तो वो यहां देखेंगे, इसका भी कंस्ट्रक्शन सेम है, मोटर इसमें एक वाइंडिंग करी हुई है, स्टेटर में आप देख रहे हैं थ्री फेज की वाइंडिंग है और थ्री फेज कनेक्शन दे रखा है आरवाईबी। जो ये रोटर है, मोटर के टाइप्स के अकॉर्डिंग किसी रोटर में वाइंडिंग होगी, किसी मोटर को शॉर्ट सर्किटेड, रोटर को शॉर्ट सर्किटेड बना रखा होगा यूज के अकॉर्डिंग, जैसा जैसा हमें टॉर्क लेना है जिस जिस मोटर से। और एसी मोटर जब निकोला टेस्ला ने एसी का आविष्कार किया था, उनका ये कहना था कि मैं एसी
सप्लाई को आसानी से ट्रांसफर कर सकता हूं क्योंकि इसमें आवृत्ति है और आवृत्ति को घटा बढ़ाकर मैं काफी कुछ बदलाव कर सकता हूं। तो जब एसी सप्लाई का निर्माण हुआ था तो उन्होंने एसी मोटर और एसी जनरेटर भी बनाए थे। एसी सप्लाई से एसी मोटर आसानी से चल सकती थी, वो अलग बात है कि थ्री फेज है या सिंगल फेज है, ठीक है। और आपने फेज सीक्वेंस में पढ़ लिया होगा कि अगर हमारे पास थ्री फेज की सप्लाई उपलब्ध है तो हम उसे सिंगल फेज किस तरह बना सकते हैं। वापिस आ जाते हैं मोटर पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेटर और रोटर, वही पुरानी बात, स्टेटर किस धातु का बना होता है, रोटर किस धातु का बना होता है। तो स्टेटर आपको पता ही होगा योक या बॉडी जिसे बोलते हैं। एसी मोटर को हम आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि उसपे धारिया सी बनी होती है, तो इस प्रकार है, या फिर उसके कनेक्शन टर्मिनल से भी पहचान सकते हैं। तो स्टेटर यानी कि मोटर का स्थिर भाग, ये बाहरी वर्णन में कर रहा हूं। वैसे तो हम जरूरत के हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र को भी घुमा सकते हैं या रोटर को भी घुमा सकते हैं। रोटर यानी मोटर का गतिशील भाग, मूवेबल पार्ट। उसके बाद कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि स्टार्टिंग के समय और रनिंग के समय मोटर के प्रभाव के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि मोटर की हर कंडीशन के एक्सप्लेनेशन का आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में वही पूछा जाता है। क्वेश्चंस में आपसे कनेक्शन करवा के नहीं देखेगा कोई, जो मेन चीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, दो भाग होते हैं स्टेटर और रोटर, और उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि दो कंडीशन होती है रनिंग और स्टार्टिंग। अब यहां पे दो कंडीशन जो है स्टार्टिंग और रनिंग, जिसके बारे में बात करेंगे। तो इस केस में पूछा जाता है कि भाई स्पीड बताओ कि रोटर की स्पीड, अब दो भाग है हमारे पास स्टेटर और रोटर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी स्टार्टिंग के समय में, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी रनिंग के समय में। तो एक तो उसके बारे में हम समझ लेते हैं, और दूसरी बात जो ये स्टेटर और रोटर है इनका जो रेजिस्टेंस है वो भी डिफरेंट रखा जाता है क्योंकि जब ये रोटेट करेंगे तो ये डिफरेंट टाइप में ईएमएफ को जनरेट करेंगे, और क्योंकि उनका अगर मान लो हम रेजिस्टेंस में बदलाव कर देते हैं तो उनको मिलने वाला करंट भी बदल जाएगा, और यदि उनको मिलने वाला करंट बदल जाएगा तो उन्हीं के आधार पे जो फ्रीक्वेंसी होगी या जो भी आउटपुट इनपुट होगा वो भी बदलाव में मिलेगा। इस चीज को भी हम समझेंगे कि टॉर्क से फ्रीक्वेंसी का क्या लेना देना है। फिलहाल अभी के लिए हम समझते हैं। आप नोट करें कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, किसी भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग के समय में फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर तथा फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर बराबर होते हैं। इन केस ऑफ स्टार्टिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इज ऑलवेज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर, लिखा हुआ है हम देख सकते हैं। उसके बाद मेन चीज स्पीड के बारे में बात करते हैं। जब मोटर स्टार्टिंग के समय में है तो उसकी स्पीड कुछ और है, और जब मोटर रनिंग के समय में है तो उसकी स्पीड कुछ और है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग के समय में रोटर की गति शून्य होती है क्योंकि उसको टॉर्क बनाने में कुछ समय लग जाता है। तो अलग अलग मोटर के हिसाब से अलग अलग रोटर की स्पीड होगी रनिंग के समय में, लेकिन इतना याद रखना है कि स्पीड ऑफ रोटर इन केस ऑफ स्टार्टिंग इज ऑलवेज बी जीरो, थ्री फेज मोटर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अब थ्री फेज मोटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो हर मोटर में देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं स्लिप। पहले आप ये नोट कर ले, उसके बाद बात करते हैं स्लिप के बारे में। ये जो हमारी स्लिप होती है ये बेसिकली दोनों के बीच में अंतर होता है स्पीड ऑफ रोटर और स्पीड ऑफ स्टेटर, मतलब स्टेटर की जो गति है और रोटर की जो गति है दोनों के बीच में होने वाले अंतर को हम स्लिप कह देते हैं। तो समझ लेंगे, पहले आप ये देख लें। स्लिप के बारे में बात करते हैं जो कि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है या और भी दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, तो स्लिप के बारे में बात करते हैं। स्लिप मैंने आपको पहले बताया कि स्लिप जो है वो हमारे स्पीड ऑफ स्टेटर और स्पीड ऑफ रोटर
के डिफरेंस को कहते हैं, मतलब जो स्पीड हमारे स्टेटर की है स्थिर भाग और जो स्पीड हमारे रोटर की है उसके अनुसार जो उसमें अंतर आएगा उसे हम स्लिप कहते हैं। ठीक है। अच्छा एक और बात, इसमें फ्रैक्शनल स्लिप भी होता है और परसेंटेज स्लिप भी होता है, कुछ नहीं करना है। जो ये हमारा स्लिप है इस मंत्र को याद रखना है कि स्पीड ऑफ स्टेटर क्या है और स्पीड ऑफ रोटर क्या है, इनके बीच का डिफरेंस स्लिप कहलाता है। यदि मैं इसी डिफरेंस को स्पीड ऑफ स्टेटर से डिवाइड करूं तो फ्रैक्शनल स्लिप मतलब जो बटके मिल रही है दोनों के बीच के अंतर में उसे हम फ्रैक्शनल स्लिप कह देंगे, और स्लिप की परसेंटेज जो कि डिफरेंट होती है किसमें अलग अलग मोटर के लिए, स्टार्टिंग के केस में या रनिंग के केस में, जिसके आधार पे बहुत सारी गणनाएं की जाती है, कैलकुलेशंस की जाती है, तो कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शनल स्लिप को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी कहलाएगी परसेंटेज स्लिप। तो ये था थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप, मतलब स्टार्टिंग में इंट्रो था कि जितना भी स्लिप होता है या स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी क्या है स्टेटर की रोटर की, या फिर स्टार्टिंग में स्पीड क्या है स्टेटर की या रोटर की, तो वो चीजें थी। अब इसमें आगे जो भी मेन मेन टाइप्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, जैसे हमारा स्क्वायरल केज, सिंगल केज, डबल केज और स्लिप रिंग मोटर, फिर इनके कंट्रोल जैसे स्पीड कंट्रोल, गति नियंत्रण, टाइप ऑफ स्टार्टर, टाइप ऑफ कनेक्शन, तो ये चीजें हमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सीखनी है। और इसमें मैं आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, क्योंकि सुनने में आया है किताबों में बहुत कुछ लिखा होता है, थोड़ा कुछ उससे पढ़ने को मिल जाता है, थोड़ा बहुत हम कुछ क्लास में सीख लेते हैं, बाकी जो मेन चीज है अगर हम उन क्वेश्चंस को सिर्फ देख लेंगे तो हमारी रिविजन उस आधार पे भी हो जाएगी। तो इस पार्ट में मैं आपके बारे में कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस भी मैं आपको लिखवा सकूं।